नाजरीन, सर्दियां आ चुकी हैं और मछली का सीजन स्टार्ट हो चुका है। हराम मछली और हलाल मछली का पता कैसे चलता है, आज ये मेरा भाई हमें बताएगा। वो कौन सी मछली है, उनके नाम क्या है, जिसके कान नहीं खुलते ज्यादातर, जो बच्चे देती हैं। इतना अरसा हो गया मतलब ये मछली का कारोबार कर, ये हमारी ना समझ लें कि 7वीं नस्ल शुरू हुई है। नाजरीन, सर्दियां आ चुकी हैं और मछली का सीजन स्टार्ट हो चुका है। जो मछली के ख्वाहिशमंद है, मछली खाते हैं ज्यादातर, आज उसके बारे में बात करेंगे। हराम मछली और हलाल मछली का पता कैसे चलता है, आज ये मेरा भाई हमें बताएगा, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं ये इस बिज़नेस और ये कारोबार कर रहे हैं मछली का, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब सर्दियां आ गई हैं और मछली जो है ना हमारे लाहौरिये बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल। तो हराम मछली और हलाल मछली में क्या फ़र्क है, ये वैसे मैं पता कैसे चलेगा? हमें पहले कई मरतबा बता चुका हूँ मैं और फिर आपको बता देता हूँ। देखें, ये मछली है सोल, ठीक है। जिस मछली का ये कान खुलेगा ना, थोड़ा सा ऊंचा बोले। अच्छा, जिस मछली का ये कान खुलेगा, ठीक है, ये आप गौर करें, ये कुदरती तकबीर है। लेकर आए जी। अच्छा, ये कुदरती तकबीर है ये, ठीक है, ये कुदरती तकबीर है, ये कुदरती तकबीर है। जिस मछली का ये कान खुलता है वो हलाल है, वो हलाल है। और जिस मछली का ये कान नहीं खुलता, कान नहीं है ये, बंद है ऐसे, वो चिखी होंगी, ठीक है, ठीक है, वो मछली जो है ना वो हराम है, वो हराम है, वो नहीं खाएंगे। जो मछली अंडे देती है वो हलाल है, जो मछली बच्चा देती है वो हराम है। अच्छा, ठीक है। जो मछली अंडे देती है वो हलाल है, जो बच्चा देती है वो हराम हराम है। अच्छा जी, तो ये बताएं वो कौन सी मछली है, उनके नाम क्या है, जिसके कान नहीं खुलते ज्यादातर, जो बच्चे देती है किस नाम से जानी जाती है? हमें तो 2-3 मछलियों का ही ज्यादातर पता है जी, जो बड़ों ने बताया था। ज्यादातर हमने क्या कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं किया इस बारे में, काम में शुरू हो गए काम में, उसके बाद बिजी इतना हो गया कि हम जा ही नहीं सके, इतना प्रैक्टिकल नहीं कर सके। जो हमारे बड़ों ने बताया वो हम आपको बता सकते हैं। एक मगरा मच्छी है, मगरा, मगरा, ठीक है, मगरा मच्छी है, उसका सर काट के आता है यहाँ से, वो सर काट के, सर काट, वो नहीं खानी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए, वो सर काट के आता है, वो आपको उसका गोश्त मिलेगा बड़े स्टोरों से, यानी कि जो बड़े यूटिलिटी स्टोर बने होते हैं जी हाँ, वहाँ पर जो कट पीस फ्रीजर में मौजूद होते हैं, वो ही मछली होती है। और ज्यादातर आपको पता है कि हराम चीज जो है उसका जायका भी ज्यादा होता है और टेस्ट वाइज भी ज्यादा होती है, इस वजह से वो जो है ना वो कटी हुई मछली उनकी ज्यादा जो है ना यूज बिकती है, इस्तेमाल ज्यादा होती है जी। अच्छा, मुझे ये बता दें हम लोगों को मतलब किस तरह की मछली खानी चाहिए जो सीज़न है, क्योंकि हम बड़े शौक से खाते हैं, सर्दियां भी होती हैं, हम सब कहते हैं कि मछली खाने बाहर चलते हैं। हाँ जी, तो किस तरह की हमें मछली खानी चाहिए और कौन सी ज़्यादा मछली जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है? ज़्यादातर तो ये जो फ्राई करके भेजते हैं ना, ये तो यहीं से लेके जाते हैं, ठीक है, ये तो वो फार्मी मछली होती है, रिवर के नहीं होती, फार्मी मछली होती है, बगैर कांटे के जो मछलियाँ बिकती हैं ना बोनलेस में उनमें जो है ना वो फर्क होता है कोई, यानी कि समझ लेके मिलावट होती है। अच्छा। उसमें वो मछली मिलावट होती है, वो मिलावट होती है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि उसका ना वो होती भी सस्ती है, जायके में भी ज्यादा होती है। आपको कितना अरसा हो गया मतलब ये मछली का कारोबार कर? ये हमारी ना समझ लेके 7वीं नस्ल शुरू हुई है, 7वीं नस्ल यहाँ तक मुझे इल्म है। अच्छा, यानी कि आपके दादा परदादा यही काम करते थे, आपके वालिद साहब भी? मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, मेरे दादा जी। अच्छा। तकरीबन जितने नाम मुझे याद है वो सब मछली का काम ही करते हैं। हाँ जी, ठीक है। मेरे वाले साहब का नाम खादम हुसैन साहब था। अच्छा। मेरे दादाजी, इसलिए आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेरे परदादा के नाम, वाले साहब का नाम शेख फजलुद्दीन था, यानी कि जितने नाम मुझे याद है वो सब मछली का काम ही करते थे। कौन सी मछली खरीदनी चाहिए और क्या बाजार से मछली मंडी से आके मछली खरीदनी चाहिए या बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं जिसमें फ्रीजर में मछली फ्रीज की होती है वहाँ से खरीदनी चाहिए? स्टोरों में से जो है ना वो तो जो मिक्स काम ही होता है, उनको चाहिए कि जहाँ से भी कहीं मछली खरीदे साबत खरीदे, ठीक है, पहले अपने हाथों से सामने बनवाएं और फ्रेश मछली लें, फ्रेश लें, फ्रोजन में ज़रा रुझान कम करें क्योंकि फ्रोजन में ही मिलावट होती है। अच्छा, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जो स्टॉक करते हैं, डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद स्टिकर जो दूसरा लग जाता है उसके ऊपर। अच्छा, वो एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं, जो स्टिकर होता है वो चेंज कर देते हैं। तो नाजरीन, बहुत बड़ी नहीं होगा, मैंने 1-2 स्टोरों में काम किया है और ये काम मैंने अपनी आंखों से देखा है, देखा भी है स्टोरों में भी काम किया जी और इन्होंने देखा। मल्टीनेशनल वो स्टोर, बड़ा स्टोर जो बड़े स्टोर हैं,
इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सब उससे बड़ा स्टोर नहीं है कोई। अच्छा, उधर आपने काम किया है? जी हाँ। और उधर ये काम होता है? मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। यानी कि फिर तो समझ लें कि हमारी आवाम को स्टोर से मछली खरीदनी नहीं चाहिए, मछली मंडी से आगे मछली खरीदनी चाहिए। मछली मंडी से लें, बाजार से लें, रेडी वालों से लें, जहाँ से मर्जी लें, साबुत लेके ना, साबुत लें, साबुत लें, अपने सामने कटाई करो। मछली वो लें जिसके कान खुलते हों, मतलब के ये समझ लें कि ये मछली हमारे लिए हलाल है और ये तकबीर हुई है पहले से इस मछली पे, ये जो है ना हमारे लिए हलाल है, हमने ये मछली खानी है जब भी खानी है मुसलमान को ख़ास तौर पर, और जिसके कान बंद हो तो वो मछली मुसलमान के लिए हराम है, यानी कि वो मछली नहीं खा सकता। तो सोच समझ के लिया करें और ख़ुद अपने हाथों से मछली बनवाया करें, मछली मंडी जाके मछली लिया करें। और जो बड़े बड़े स्टोर हैं जिसकी भाई ने बता दी, बात कर दी, एक्सपोज करके रख दिया कि भाई उन स्टोरों में ये नहीं पता होता कि मछली ताज़ी है या एक्सपायर मछली है, और स्टिकर्स चेंज कर दिए जाते हैं जैसे कि इस भाई ने बताया। तो जब भी आपने मछली खानी हो, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मछली का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो आपने अगर मछली खानी है, शौकीन है अगर आप मछली के, तो मछली अपने हाथों से लें, अपने हाथों से बनवाएं, तो अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। अल्लाह हाफिज़।